तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं बैटमैन की कहानी, कैसे उसने अपने जिंदगी के 99 ईयर काटे और उसने बैटमैन बनने के लिए क्या क्या किया। तो आइए जानते हैं उसकी पूरी जर्नी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस यार मजा ही आ गया, वॉशरूम जाने के बाद की जो फीलिंग होती है ना, इससे बेटर कोई फीलिंग हो ही नहीं सकती। अरे फ्रैंकलिन भैया बचाओ, फ्रैंकलिन भैया जल्दी से आ जाओ। अबे चौप भी चिल्ला रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है, जल्दी से जाके देखता हूँ। भाई साहब अब ये कौन है? अरे फ्रैंकलिन भैया आ गए, हमें जल्दी से बचा लो, यहाँ पर चल क्या रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सबसे पहली बात तो तू है कौन? मेरा नाम टू फेस है और मैं बैटमैन का दुश्मन हूँ। हमें पता चला है कि तू उसका दोस्त है। हाँ तो बैटमैन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हम तुम्हें मारने की धमकी देंगे तो वो हमें पकड़ेगा नहीं। अरे ये बैटमैन कौन है? हाँ, हम किसी बैटमैन को नहीं जानते। शिनचैन चौप डर के मारे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेटा ज्यादा मत बोल, नहीं तो यही पे लुढ़का दूंगा। वो टू फेस यही कहीं पे होना चाहिए, मुझे उसकी लोकेशन यही से आ रही है। यहाँ पर तो फ्रैंकलिन का घर है, कहीं उसने फ्रैंकलिन के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। मुझे जल्दी से जाके देखना पड़ेगा, यही पे उतरता हूँ, आराम आराम से जाता हूँ अंदर, नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि मैं आ गया हूँ। मुझे लगता है वो लोग नीचे है, आराम से जाता हूँ। ये रहे वो लोग, अब ये बचेंगे नहीं मेरे हाथ से। ये तो गया, ये गया, चलो एक तो निपट गया, अब इसको भी ठिकाने लगाता हूँ। ये लगाया मैंने निशाना और ये ले, बहुत भाग रहा था मुझसे, ये ले, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। कब तक छुपेगा मुझसे? आज तो तुझे जेल में डाल के रहूंगा। अरे वाह बैटमैन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ तुमने तो जान ही बचा ली। अभी तक तो तुम लोग बोल रहे थे कि तुम लोग बैटमैन को जानते भी नहीं हो और आते ही चापलूसी चालू। अरे वो तो हम लोग डर गए थे ना इसलिए। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अरे बैटमैन तुम्हारे तो कितने सारे दुश्मन हैं, ये वाला तो हमने नया नया देखा है। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। और क्या बात कर रहे हो? अरे मुझे तुम्हारी स्टोरी जाननी है। बताते बताते रात हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? क्यों ना हम सब लोग टोनी के पास जाए, उसके पास मशीन है। कौन सी मशीन? अरे उसमें हम लोग तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर देख सकते हैं। अच्छा ऐसी बात है। अरे हाँ जल्दी से चलो, मैं तो यहाँ से उड़ के जाता हूँ, तुम लोग मेरी गाड़ी लेके आ जाओ। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ये मैं चला, मैं इनसे पहले पहुँच जाऊंगा। शिनचैन चौप तुम लोग तैयार हो? जल्दी से आ जाओ। हाँ जल्दी जल्दी चलो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया जल्दी से चलो। ओहो गाइस यार, जितनी बार ये गाड़ी देखता हूँ ना उतनी बार खुशी होती है। अरे क्या बात है फ्रैंकलिन भैया, आज तो मजा ही आ जाएगा। कितने दिनों बाद ये गाड़ी देखने मिल रही है। भाई साहब मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ सीधा अंदर इसको चलाने। अरे हमसे भी रहा नहीं जा रहा, हम भी आ रहे हैं, आ जाओ जल्दी से। गाइस यार ये गाड़ी बाहर से जितनी खतरनाक दिखती उतनी शानदार अंदर से। अरे फ्रैंकलिन भैया क्यों ना हम ये गाड़ी खरीद ले। शिनचैन इतनी औकात नहीं है अपनी, ये बहुत महंगी पड़ जाएगी अपने को। और फ्रैंकलिन भैया तो ठहरे भिखारी। ओ भाई रोज जो तू खाना खाता है ना वो मेरे पैसे से आता है। हाँ तो कोई एहसान कर रहे हो क्या? और तू क्या करता है, खा खा के हकता ही तो है। अरे आप दोनों लड़ाई बंद करो, ये देखो हम पहुँचने वाले है। अरे गाइस इन दोनों का तो ऐसे ही चलते रहेगा, तब तक जाके आप हमारे दूसरे चैनल को चेक कर लो, उस पे भी वीडियो आ गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद जाना। तो गाड़ी को जल्दी से यहाँ रोकता हूँ, अब जाते हैं सीधा अंदर। अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ। आजा भाई जल्दी से। फ्रैंकलिन तुम इतने लेट कैसे हो गए? मैं लेट नहीं हुआ, तुम जल्दी आ गए हो। हाँ तुम बहुत जल्दी आ गए हो। टोनी तुमको तो पता ही होगा आज क्या करना है। हाँ मुझे बैटमैन ने सब कुछ बता दिया है। चलो अच्छा हुआ। हाँ नहीं तो रोज रोज समझाना पड़ता है। क्या बोला चॉप तुमने? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बोल रहा था मशीन को स्टार्ट कर दो। अच्छा ठीक है अभी जाके करता हूँ। ये दबा दिया मैंने बटन। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बैटमैन की कहानी। ये उस समय की बात है जब हमारा बैटमैन सिर्फ एक 5 साल का बच्चा हुआ करता था और वो अपने मम्मी पापा के साथ बाहर मूवी देखने आया है। मम्मी पापा मेरे को ये मूवी बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे तो सुपर हीरो वाली मूवी देखनी थी। अरे बेटा ये अच्छी मूवी है। नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे जाना है यहाँ से। मैं तो चला बाहर जाके थोड़ी देर खेल लूंगा। अरे बेटा रुक जाओ। हाँ बेटा रुक जाओ, नहीं तो बारिश में भीग के बीमार हो जाओगे। इतनी सी बारिश में कोई बीमार नहीं होता, आप लोग मुझे कभी खेलने नहीं देते। आज तो खेल के रहूंगा, जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे ये लोग कौन है, हट जाओ मेरे रास्ते से। यार लड़के उधर ही रुक जा, तुम लोगों के पास जितना माल है सब हमारे हवाले कर दो, नहीं तो यहीं पे टपका दूंगा। दूर हो जाओ मेरे मम्मी पापा से, आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा हमें हमारी फिक्र नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, भाग जाओ यहाँ से। नहीं मैं नहीं भागूंगा। ये आवाज बंद, कोई नहीं भागेगा यहाँ से, तुम लोग बचोगे नहीं मेरे हाथ से। ये ले पागल औरत, और अब तेरी बारी, मेरे को पैसे नहीं दोगे आज तो तुम्हारी जान ले लूंगा। ये ले ये बच्चे, अब जाके अपने नए मम्मी पापा ढूंढ, मैं भागता हूँ यहाँ से इससे पहले कि पुलिस वाले आ जाए। अरे ये क्या किया इन्होंने, इन्होंने तो मेरे मम्मी पापा को मार दिया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मुझे मेरे मम्मी पापा से बहुत प्यार था, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बैटमैन के मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे, तब से बैटमैन अकेले ही बड़ा हुआ है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जब हमारा बैटमैन 20 साल का हो जाता है। अरे यार मैं काफी लेट हो गया हूँ, मेरी फाइट शुरू होने वाली है, मुझे कैसे भी करके ये जीतना ही पड़ेगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तू लड़ेगा मुझसे, तेरी हिम्मत है? मैं लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। ये ले तू तो गया मेरे हाथ से। ऐसी बात है तो ये ले, तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से। ये खा, तू जानता नहीं है मुझे, ये खा।
और ये भी खा, तूने गलत पंगा ले लिया है, आज तो तू बहुत मार खाएगा, अब ये ले। इतने में ही गिर गया, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा उठा के, और खुद को फाइटर बोलते हैं, एक नंबर का गरीब कहीं का। अच्छा हुआ जल्दी हार मान ली, नहीं तो जान ही ले लेता। हमारा बैटमैन काफी गरीब और कमजोर था, ना तो उसके पास पैसा था और ना ही ताकत, वो बुराई के खिलाफ लड़ना चाहता था, इसलिए वो हिमालय के पहाड़ों में गया ताकि वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सके और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। अब आगे मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ, थोड़ा सा रास्ता और बाकी है, जल्दी जल्दी चलता हूँ। आखिरकार मैं पहुँच ही गया, मेरी तो हालत ही खराब हो गई है, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा। जल्दी से मास्टर के पास जाता हूँ, मुझे लगता है यही मास्टर है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे आपके मदद की जरूरत है। कैसी मदद? मुझे लड़ना सिखा दीजिए, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है ताकि मैं बुराई के खिलाफ लड़ सकूं। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें तालीम दूंगा, मैं जानता था आप जरूर करोगे। मास्टर उसे सिखाने के लिए तैयार हो गए और हमारा बैटमैन तो था ही तैयार। उसने मेडिटेशन किया, अपनी ताकतों को बढ़ाया, उसने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक पूरा ट्रक खींच लिया ताकि उसकी ताकत उभर के आ सके। वाह बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतना जल्दी आज तक कोई नहीं सीखा है। अब तुम्हें एक आखिरी काम करना पड़ेगा, तुम्हें इन सबको मारना पड़ेगा और खुद की काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने ये सब किसी की जान लेने के लिए नहीं सीखा है, मैं ज्यादा से ज्यादा इन्हें बेहोश कर सकता हूँ। मैंने जो कहा है वो करो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। यहाँ पर माफी नहीं मिलती, मिलती है सीधी सजा। आपको जो सजा देनी है मुझे मंजूर है। जाओ मेरे निंजा, इसे मार दो। ये क्या कर रहे हो आप? अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, दूर हो जा। ये ले, तुझे तो मैं उठा के पटक दूंगा, ये ले। और तू भी ले, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुमसे कई गुना ताकतवर हूँ। ये लो, तुम्हें उसी टेक्निक से मारूंगा जो तुम्हारे मास्टर ने मुझे सिखाई है, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। जब मार के दूर जाता हूँ। अरे अरे, ये क्या किया इसने? अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये ले, दूर हो जा। इन सबको कैसे भी बेहोश करना पड़ेगा, इसको तो उठा के फेंकता हूँ। ये ले, और कोई बाकी है जो मुझसे लड़ सके? ये रहे दो जन और आ जाओ। और ये लो, वाह क्या उड़ के गया है। अरे भाई, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। मास्टर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। ये लो और ये भी लो, तुम्हारे मास्टर को तो मार दिया, अब तुम्हें भी मार दूंगा। ये ले, मुझे लगता है सारे के सारे बेहोश हो गए हैं, अब जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ इससे पहले कि ये लोग जाग जाए। ये मैं चला। बैटमैन वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद भाग जाता है क्योंकि उसे मास्टर के गलत इरादों का पता चल चुका था। अब काफी साल बीत गए हैं और हमारा ब्रूस बैनर बैटमैन बन चुका है जो कि पहले से काफी ताकतवर था और काफी अमीर। मुझे जल्दी से बैठ के पहुंचना पड़ेगा, मेरे हथियार खत्म होने वाले हैं और शहर में विलन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अरे ये तो वही गाड़ी है ना जो हम अभी लेके आए? हाँ शिनचैन, ये वही गाड़ी है। ये कार मेरी फेवरेट है। अरे ये तो हमारी भी फेवरेट है, संभाल के रखना नहीं तो फ्रैंकलिन भैया किसी दिन चुरा लेंगे। क्या बोला? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो मैं पहुंच चुका हूँ, गाड़ी को यहीं पे रोकता हूँ, अब जल्दी से जाता हूँ, मेरे हथियार यहीं कहीं पे होने चाहिए। ये क्या, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई आया था। अभी ये किसका फोन आ गया? हेलो, जोकर, क्या बात है, तुम तो जल्दी मुझे पहचान गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ोगे तो तभी ना जब पकड़ोगे, और ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे कुछ दोस्त मेरे पास है, अगर उन्हें बचाना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। वही पर रुको, मैं आ रहा हूँ, तुम तो गए, जल्दी से जाता हूँ। इस जोकर के बच्चे को आज छोड़ूंगा नहीं, इस बार ये वाली कार ले लेता हूँ, अब निकलता हूँ यहाँ से। अरे ये वाली गाड़ी तो उससे भी खतरनाक है। हाँ, उससे मेरी ये वाली फेवरेट। मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा, पता नहीं उसने किसको किडनैप किया होगा, मुझे उसे जाके बचाना ही पड़ेगा। ये जोकर हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता है, लोकेशन तो यही की आ रही थी। अरे वो लोग, आज तो इनको छोड़ूंगा नहीं, ये तो अपने गैंग के साथ खड़ा है। कोई बात नहीं, सबको मार दूंगा। क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी पहुंच गए। जोकर हार मान ले, नहीं तो मारा जाएगा। रुक जा रुक जा, पहले जरा ऊपर तो देख, इस बॉम्ब में टाइमर लगा हुआ है, अब तुझ पे है, तू मुझे मारना चाहता है या फिर उसको बचाना। अरे एक मिनट, मैं तुझे मारू ना मारू, ये लोग जरूर मारेंगे। तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। अरे हम लोग सब करेंगे, अब मैं चलता हूँ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये लोग और ये भी, मुझे जल्दी से इन्हें निपटाना पड़ेगा। हट यहाँ से, तुम्हारी गोलियाँ मुझ पे कोई असर नहीं करेगी, मेरा सूट बुलेट प्रूफ है। ये ले और ये भी, तुझे तो मैं खींच खींच के मारूंगा। ये ले और तू भी ले, अब जोकर तेरी बारी है, तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से। सोच समझ के काम करना, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। ओ सॉरी, तुम्हारे दोस्त के पास टाइम बहुत कम है। तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो या फिर मुझे मार के उसे मरने के लिए छोड़ सकते हो। तू बचेगा नहीं, मुझे इसे बचाना ही पड़ेगा, मैं आ रहा हूँ, डरो मत। क्या बात है, बैटमैन तो समझदार निकला, अच्छा हुआ वो उसे बचाने चला गया। अब मैं यहाँ से हेलीकॉप्टर में भाग जाऊंगा और वो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। तुम ठीक तो हो ना? अरे बाबूजी क्या बताएं, मैं तो डर ही गया था। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना, ये बॉम्ब मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, इसी से जोकर को मारूंगा। अरे बाबूजी क्या कर रहे हो, इसमें तो टाइमर लगा है। मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं चलता हूँ यहाँ से। अरे ये जोकर तो जा रहा है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसे तो ये भाग जाएगा, मुझे जल्दी से अपनी गाड़ी के पास जाना पड़ेगा। कहाँ गया ये तो काफी दूर निकल चुका है, मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। जल्दी से गाड़ी में बैठता हूँ।
हूँ, अब जल्दी से निकलता हूँ। अरे जोकर तो भाग गया। शिनचैन बैटमैन उसको बचाने में बिजी था ना, तो उसने उसका फायदा उठाया। और कोई किसी न किसी का फायदा ही उठाते रहता है। ये रहा वो मुझे दिख रहा है, मुझे बस इसका पीछा करना है। ये मुझसे बच के नहीं जा पाएगा, वो लोग यहीं पे रुके हैं। जल्दी से उतरता हूँ, अब जाता हूँ, यहीं से जंप मार लेता हूँ। जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे अपने हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, यहाँ से ग्रैब करके जाता हूँ। ये मैं चला, इससे मैं जल्दी पहुँच जाऊंगा। यहाँ पर तो जोकर के आदमी है, ये तो गए मेरे हाथ से। ये ले और तू भी ले, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तू तो गया, ये ले लाठ खा और ये भी खा। इन सबको निपटाना पड़ेगा, ये लोग मेरा टाइम खा रहे हैं। ये बॉम्ब फटने वाला है, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। चलो यहाँ का रास्ता तो साफ हुआ, अब जाता हूँ यहाँ से। ये मैं चला, जल्दी जल्दी पैराशूट खोलता हूँ, मुझे दूसरे बिल्डिंग पे जाना है। जोकर इसी वाली बिल्डिंग पे होना चाहिए। ये रही वो बिल्डिंग, अभी जाता हूँ इस पे, बस पहुँचने वाला हूँ। और ये मैं पहुँच गया, अब जल्दी से ऊपर चढ़ता हूँ। ये रहा जोकर, आखिरकार तू मेरे हाथ लगी गया। क्या बात है, तुम तो मेरे फैन निकले, मेरे बिना एक पल भी रहा नहीं जाता क्या? मुंह बंद रखो अपना, तुम आज बचोगे नहीं। मैं मरा तो तुम भी मरोगे, और मैं मरने से नहीं डरता। आज तुम डरोगे, मैं तुम्हें तुम्हारी चाल में फंसा दूंगा। ऐसी बात है तो लड़ो मुझसे। ये लो और ये भी। दूर हो जा जोकर, ये खा और ये भी खा। तूने नाक में दम करके रखा है, तू तो बचेगा नहीं मेरे हाथ से। ये ले और ये भी। अरे अरे बहुत दम आ गया है, जरा टाइमर की तरफ ध्यान दो, कुछ ही देर में ये फट जाएगा। दूर हो जा, ये ले। अरे वाह क्या उड़ा है, इसको तो उड़ा उड़ा के मारूंगा। ये ले, क्या हुआ हालत पतली हो गई? तुम कुछ भी कर लो, मरोगे तो तुम भी, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ये तुम्हारी गलतफहमी है, चलो मेरे साथ। ये तुमने क्या किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हो गया, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं वापस आऊंगा, उससे पहले जा यहाँ से, ये बॉम्ब रास्ते में ही फूट जाएगा। ये तुमने बहुत गलत किया। अरे यार ये क्या हो गया। इस तरह बैटमैन ने उस आदमी को भी बचाया और जोकर को भी मजा चखा दिया। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, ये लगाई मैंने जंप, चलो मैं नीचे पहुँच ही गया, अब जाता हूँ यहाँ से। बैटमैन को बुराई के खिलाफ लड़ते लड़ते कई साल बीत जाते हैं, और अब हमारा बैटमैन 50 साल का हो चुका है। अब देखिए आगे। अरे यार काफी लेट हो गया, मुझे मेरे घर भी जाना है और दवाइयाँ भी लेनी है। ये कौन है? हे तुम वहीं पे रुक जाओ। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मुझे पता है तुम बैटमैन हो, पर तुम मरोगे मेरे हाथ से। पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे माँ बाप को मारा था जब मैं छोटा था। वो क्रिमिनल होंगे, वो जो कोई भी हो। तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम उन्हें मार दो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसी बात है तो आ जाओ, मैं तैयार हूँ। तो ये लो, अब तो तुम गए, ये खाओ और ये भी, मैं बदला लेके रहूंगा। ये तो बहुत ताकतवर है, मुझे लगता है मैं ऐसे नहीं जीत पाऊंगा। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ जाता हूँ। अरे अरे ये क्या हो रहा है, रुक जाओ, ये तो मारते ही जा रहा है। जल्दी जल्दी भागता हूँ। भागते काओ, ये लो, तुम एक नंबर के कायर हो। मैं कायर नहीं हूँ, मुझे मेरा सूट चाहिए। वो तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम बचोगे नहीं, एक बार मैं बस कैसे भी यहाँ से निकलूँ। जल्दी जल्दी जाता हूँ, मेरी गाड़ी यही कहीं पे होनी चाहिए। कहाँ पर गई? वो रही मेरी गाड़ी। जल्दी से जाता हूँ इसके पास और अंदर बैठता हूँ, इससे पहले कि वो आ जाए। अब निकलता हूँ यहाँ से। अरे ये क्या बैटमैन, तुम तो भाग रहे हो। शिनचैन इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम मेरा फ्यूचर देख रहे हो। अरे हाँ ये भी है। शिनचैन मुंह बंद रख और देखने देना। अच्छा ठीक है देख लो। अरे ये तो मेरे पीछे आ रहा है, थोड़ी और तेज भगाता हूँ गाड़ी को, ये तो नजदीक पहुँचते ही जा रहा है। बार बार बचा। रुक जा ब्रूस, कहाँ पर भाग रहे हो? मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं भाग पाओगे। ये तो पीछे ही पड़ गया हाथ धो के, पता नहीं इसके माँ बाप कौन थे। रुको रुको जाते का हो, मैं यही पे हूँ, ऐसे तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम तो यहाँ पे मरोगे ही। ये लो। अरे ये क्या किया इसने? अभी किया क्या है, अभी तो करना बाकी है। ये लो। जल्दी से जाता हूँ यहाँ से, नहीं तो ये मेरी गाड़ी बर्बाद कर देगा। कैसे भी करके पहुँच जाओ बस। भागो भागो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। कहाँ तक भागोगे? मुझे इससे बचना ही पड़ेगा, अगर इसने मुझे मार दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये लो, जाओ दूर। इसने तो बहुत दूर फेंक दिया, ये तो नुकसान पे नुकसान करा ही जा रहा है। पता नहीं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ। अब कहाँ पर गया ये? अरे अरे ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ, ये तो मेरी पूरी गाड़ी बर्बाद कर देगा। अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, फाइनली मैं अपने बैट केव में पहुँच ही गया। अब जल्दी से अंदर जाता हूँ। अरे आखिरकार तुम मुझसे बची गए। चलो मैं अंदर पहुँचने वाला हूँ, गाड़ी को यहीं पे रोकता हूँ। जल्दी जल्दी उतरता हूँ, मुझे मेरे सूट की सख्त जरूरत है, अगर ये गाड़ी नहीं होती तो आज तो मैं मारा जाता। अब जल्दी से जाता हूँ। बेन तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से, मैं आ रहा हूँ तुझे मारने। सबसे पहले तो अपना सूट ले लेता हूँ, ये रहा मेरा सूट, और ये पहले वाले सूट से काफी ज्यादा मजबूत है। अब जल्दी से पहन लेता हूँ, अब निकलता हूँ यहाँ से, इससे पहले कि वो बेन भाग जाए। बेन मैं आ रहा हूँ, आज तो तू मरेगा। जल्दी से गाड़ी में बैठता हूँ, चलो फाइनली मैं पहुँच गया। ये रहा वो। तुम्हें क्या लगा था तुम सूट पहन के आओगे और मैं देखता रहूंगा? मैंने भी अपनी पावर बढ़ा ली है, अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं।
ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम इस सूट की पावर जानते नहीं हो। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम भी तुम्हारे मम्मी पापा के पास पहुंच जाओगे। अच्छा ऐसा क्या? मुझे लगता है तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। तुम बस मुझे मारने के सपने देख सकते हो। ये लो और ये भी लो, तुम तो बचोगे नहीं आज। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम तो गए मेरे हाथ से। ये लो। अरे अरे ये क्या हो गया? ये तो मारते ही जा रहा है। अब ये ले, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज इसने मुझे बहुत परेशान किया। ये ले, दूर जा। अब ये खा। क्या हुआ, बहुत मार रहे थे ना? हाँ अभी भी मारूंगा। ये लो और ये खाओ। तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से। ये लो। तुम अभी सूट की पावर जानते नहीं हो। ये कोई आम सूट नहीं है, इससे मैंने सुपरमैन को हराया था। अब ये ले। वाह क्या पंच मारा है, सीधा दूर जाके गिरा। अब जरा इसके नजदीक जाता हूँ। अरे अरे ये क्या हो गया, ये तो फिर से मारने लग गया। तुम्हें क्या लगा था? ये लो। अब कहाँ पर चला गया? ये रहा। ये खाओ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम वापस मार खाने के लिए आ गए। मैं मार खाने नहीं आया, मैं मारूंगा। ये ले, तुम जैसे कई लोगों को मारा है मैंने। ये ले, तू आज बिल्कुल नहीं बचेगा मेरे हाथ से। कहा गया ये रहा वो। मुझे लगता है ये मर चुका है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आखिर में मारा ही गया। मैं इसको जला के खाक कर दूंगा। ये तो यहाँ से चला गया, भाग गया डरपोक, कभी ना कभी तो मेरे हाथ आएगा। अरे वाह बैटमैन, तुम तो बहुत ही खतरनाक हो। हाँ मैं बहुत खतरनाक हूँ। इसी बात पे तुम्हारी गाड़ी दे दो मुझे। बिल्कुल भी नहीं। अरे यार गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा एक और चैनल है द रियल डूड, आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।